Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about food preservation. Food preservation is a science which deals with the process of prevention of decay or spoilage of food so that the growth of microorganisms can be retarded and it is in a fit condition for future consumption by human beings. Preservation यह भी ensure करता है कि food की quality, edibility as well as nutritional value retain रहे, जिसमें हम growth of bacteria, fungi और दूसरे microorganism की growth को prevent करते हैं. इसके अलावा preservation methods फैट्स की ऑक्सीडेशन को भी रिटार्ड करता है, जिससे रेंसिडिटी रिड्यूस होती है. रेंसिडिटी कॉज करती है फाउल स्मेल एज वेल एज टेस्ट इन द फूड मटेरियल. सो द टू मेन गोल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स आर, फर्स्ट हमें फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है एंड सेकेंड हमें ये एंश्योर करना है कि जो फूड प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए सुरक्षित हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न प्रिजर्वेशन मेथड्स विच वी यूज. जो सबसे कॉमन मेथड है जो हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं वह हीट है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हीट. एज वी ऑल नो, हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं और उनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं प्रोटीन की. इसमें जो सबसे कॉमन मेथड है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज कैनिंग. कैनिंग करने से पहले द फूड प्रोडक्ट्स आर वॉश्ड, सॉर्टेड एंड ग्रेडेड एंड देन दे आर सब्जेक्टेड टू स्टीम हीट फॉर 3 to 5 minutes और इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं. ब्लांचिंग की वजह से फूड्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से फर्दर सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है. नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्लांचिंग the diseased portions of the food are removed and when we have to store the food, the containers which we will use are evacuated and they are placed in a pressurized steam sterilizer. और जो instrument हम उसमें use करते हैं वह autoclave कहलाता है, जिसमें 121 degree Celsius का temperature होता है. इसकी वजह से बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज की जो बैक्टीरिया हैं उनके स्पोर्स रिमूव हो जाते हैं. अगर किसी कारण से कैनिंग प्रोसेस में डिफेक्ट रह जाता है देन आर फूड प्रोडक्ट्स कैन बी कंटामिनेटेड बाय दीज टू एनएरोबिक बैक्टीरिया, द बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम. And both these bacteria, they are gram-negative, non-spore-forming rods, which ferment the lactose present in food products to acid and gas at 32 degrees Celsius within 48 hours. So, we have to be very careful while processing the food for canning. अब जो सेकेंड मेथड है जो हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में एम्प्लॉय करते हैं दैट इज लो टेम्परेचर. एज वी ऑल नो, जनरली लो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है. इन फैक्ट इट डीएक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें हम 3 डिफरेंट लो टेम्परेचर्स का यूज करते हैं. उसमें फर्स्ट है रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर के लिए हम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज करते हैं,
जनरली जो हम घरों में यूज करते हैं, इसमें फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड फॉर सम टाइम। हाउएवर देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव एट दिस लो टेम्परेचर। देन द सेकेंड टेम्परेचर इज -5 degrees Celsius, विच इज एम्प्लॉयड इन फ्रीजर। However, at this temperature also, there are some species of bacteria which can survive, which can include Salmonella species and Streptococci. Now, the third lowest temperature which is being utilized for food preservation is deep freezing, which is around -60 degrees Celsius. इसमें food products में small crystals बनते हैं, जिसकी वजह से द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स आर रिड्यूस्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सो दीज वर द थ्री टेम्परेचर्स विच कॉजेस द रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज ड्राइंग और डेसिकेशन। इस मेथड में हम फूड से वाटर को रिमूव करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कॉफी को स्टोर करना है तो उसमें हम पहले कॉफी को स्प्रे ड्रायर से एक फाइन लेयर ऑफ लिक्विड एक्सपेल करते हैं इनटू अ बैरल सिलिंड्रिकल कंटेनिंग हॉट एयर, सो दैट the moisture content of the coffee is removed. A very common process of freeze drying, which is called lyophilization, is used these days. इस method में food को पहले deep frozen किया जाता है, जिससे उसमें से water content को निकाल दिया जाता है with the help of vacuum pump in a machine. Now the dry product is then sealed in foil and reconstituted with water. यह method useful होता है for storing, transporting and preservation of bacterial cultures. Next method जो बहुत commonly employ किया जाता है food preservation में is the utilization of osmotic pressure. इसमें हम ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसमें हम फूड्स को प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट्स एंड शुगर्स। एज वी ऑल नो, एडिशन ऑफ सॉल्ट्स टू एनी फूड प्रोडक्ट विल लीड टू द विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट। सो इन दिस मेथड द रिमूवल ऑफ द वाटर आउट ऑफ माइक्रोबियल सेल्स will cause them to shrink and die and stop their metabolic activities and making them inactive also. In case of using sugar, we use very high concentration of sugar to preserve jams, jellies, fruit syrups and other jellies. Whereas if we have to preserve fish, meat, beef and other vegetable products, then we preserve them with the help of adding high concentration of salts. The next method is the use of chemicals as preservatives. इसमें हम तीन important acids का use करते हैं. Generally chemicals में की जब बात होती है तो हम फूड प्रिजर्वेशन एसिड्स का यूज करते हुए करते हैं। सो द कॉमन एसिड विच इज बीइंग एम्प्लॉयड इज सॉर्बिक एसिड, विच इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सिरप्स, सैलड्स, जेलीज एंड सम केक्स। नाउ द सेकेंड एसिड विच इज बीइंग यूज्ड इज बेंजोइक एसिड। इस एसिड का यूज बेवरेजेस, एप्पल साइडर, मार्जरीन, इनके प्रिजर्वेशन में किया जाता है।
And the third important acid which is being used is propionic acid. It is an important ingredient in preservation of bread and bakery products. कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड का गैस या लिक्विड फॉर्म में भी यूज किया जाता है, जिसमें ड्राइड फ्रूट्स, मोलासेस एंड जूस कंसंट्रेशंस को प्रिजर्व किया जाता है. बिसाइड्स दैट, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पाइसेस, नट्स, इथाइलीन ऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड. अनदर कॉमन मेथड व्हिच इज एम्प्लॉयड फॉर फूड प्रिजर्वेशन इज रेडिएशन. इसमें हम दो रेडिएशंस का यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज अल्ट्रावायलेट एंड द सेकेंड वन इज गामा रेज. गामा रेज का यूज मीट प्रोडक्ट्स के प्रिजर्वेशन में होता है, वेयर एज यूवी रेडिएशन को हम मीट स्टोरेज फैसिलिटीज में यूज करते हैं, जिससे मीट के सरफेस पे प्रेजेंट कंटामिनेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है. नाउ द अनदर मेथड व्हिच वी एम्प्लॉय इज एनएरोबियोसिस. एज द नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट इन दिस पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इज टेकन अंडर एनएरोबिक कंडीशंस. यह एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, जिससे फूड में की स्पॉइलेज प्रोसेस को रोका जा सकता है. इसमें फूड प्रोडक्ट्स को वैक्यूम पैकेजिंग की जाती है, जिससे उनमें एयर प्रेजेंट ना रहे. देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज यूज्ड एंड इट इज द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. इसमें हम कुछ फूड प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल्स एंड पियर्स का प्रिजर्वेशन करते हैं, जिसमें 10% CO2 यूटिलाइज करते हैं, जिससे दीज फूड्स दैट इज एप्पल्स एंड पियर्स जल्दी खराब नहीं होते. समटाइम्स टू चेक द फंगल ग्रोथ ओजोन इज ऑल्सो एडेड. And the last one is some other methods which are being employed. Isme first is asepsis and the second one is filtration and centrifugation. Asepsis means we have to wash the utensils that come in contact with food which is being preserved. And in filtration and centrifugation, we have to remove microbes by filtering the food juices and other drinks. Generally, bacteriological filters are used in industries.